वंडर किड्स का जो है सन्मुखानंद हॉल में सालाना प्रोग्राम लिया गया, जिसमें के बच्चों ने अपनी अपने अभिनय का लोहा जो है स्टेज पे मनवाया और कई सारे बच्चे जो है डांस के जरिए या परफॉर्मेंस के जरिए उन्होंने अपना जो है कला दिखाई। और यहाँ पे इस समय मेरे साथ में भाईखल्ला विधानसभा क्षेत्र की विधायिका यामिनी जाधव जी हैं, जो कि इस समारोह में हिस्सा लेने आई थी। मैं उनसे सवाल करूंगा, मैम ये बताइए वंडर किड के इस प्रोग्राम में आने के बाद में कैसा आपको फील हुआ? वंडरफुल लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं हर एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के बाद में रेहान सर से इस एनुअल डे का इनविटेशन मुझे कब आ रहा है इसकी राह में हमेशा रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। यामिनी जी ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा, क्या आपके स्कूली समय की आपको याद आई जब आपका बचपना था, आप छोटे थे? जी, हालांकि हमारे बचपन में इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे फैसिलिटीज स्कूल से नहीं मिलते थे, लेकिन कभी कभार जो परफॉर्मेंस होते थे या हमारा पहला स्कूल का डे जब हम माँ बाप का हाथ छोड़ के अंदर जाते तो जिस कदर रोते थे वो जरूर मुझे याद आया। जी यामिनी जी, अगर मैं बात करूँ, आपने एक चीज का जिक्र किया, बच्चे जब जवानी के कगार पर आ जाते हैं, जवानी के पड़ाव में आ जाते हैं, तो माँ बाप को जो है कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ने की आपने भी बात कही कि बच्चे जो है उस समय जो है माँ बाप को संभालने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं, तो मैम ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी, क्योंकि आपके भी माता पिता हैं और आप आज इस मकाम तक पहुंची हैं कि विधायिका बन गई हैं? सर, यही देखने मिल रहा है हर जगह, ये चीज़ नहीं है कि बच्चे कैपेसिटी में नहीं होते, वो माँ बाप को रखना नहीं चाहते, उनको ऑब्स्टैकल लगता है, कोई अड़चन लगती है माँ बाप के कहीं बिहेवियर की। और जहाँ तक कि मेरा सवाल है, तो मैं मेरे सास ससुर को भी अच्छे से देख रही थी, ससुर तो अभी नहीं है लेकिन सास को भी आज प्यार कर रही हूँ, और उससे भी बढ़कर मैं मिस्टर यशवंत यादव जो मेरे पति है इनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे माँ बाप को संभाला है, आज भी मेरी माँ मेरे ही घर पे रह रही है। यामिनी जी, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूँ मैं, आपने किसी का इंट्रोडक्शन करवाया कि वो बोट चलाती हैं जो हवा के बहाव पे चलती है, तो मैम महिला सशक्तिकरण पे कितना जोर आप दे रही हैं? मैं हमेशा से महिला शक्तिकरण के ऊपर काम कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, लेकिन ये मान के चलना बहुत ही गलत होगा कि मैं एक महिला विधायक हूँ तो उस तरह सिर्फ महिलाओं के लिए काम करूँगी, जिसको मेरी ज़रूरत है, युवा पीढ़ी है जो काम नहीं उनको मिल पा रहा है, तो हर तरीके से हर एस्पेक्ट पे काम करना चाहूँगी, डेफिनेटली महिलाओं के इस पे ज़रा मैं ज़्यादा जान दूँगी। मैम, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, आज ये एक स्कूल का जो है नर्सरी स्कूल है वंडर किड्स, उसका जो आज समारोह रखा गया, हजारों बच्चे यहाँ आए, उनके माता पिता हैं, तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के स्तर में आपके क्षेत्र में आप किस तरीके का काम करना चाह रही हैं? एक्चुअली शिक्षा के तौर पे मैं तो बहुत ज़्यादा टची हूँ, मैंने पहले भी जब मैं नगर सेविका थी मैं 5 साल एजुकेशन कमेटी की सदस्य थी, बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, बहुत सारे मुद्दे हल किए थे मैंने, और आज भी मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं शिवसेना को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि उद्धव साहब जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और जो आदित्य सर हैं जो पर्यावरण और पर्यटन मंत्री है, इन्होंने एक चीज़ अभी डिक्लेयर की है कि जो स्कूल्स है बीएमसी, इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब सारे जितने बोर्ड्स है एसएससी को छोड़ के, वो भी चलाए जाए, तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा कदम होगा शिक्षा के एक क्षेत्र में, और जिन बच्चों को ये शिक्षा नहीं मिल पाती उनको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये थी जो भाईखल्ला की विधायिका यामिनी जाधव जी, मैंने सवाल किया आज के समारोह के बारे में, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बचपन को इस समारोह को देखकर याद किया, और मैंने सवाल किया वो बच्चे जो अपने माँ बाप को बड़ा होने के बाद बोझ समझते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ताकि उनकी लाइफ उनकी परिवार के साथ में जो है अच्छे से बीते, और जो है उनके परिवार को जो है वो अपने फैमिली के साथ में अपना सुख वाला वक्त जो है बिता सके, तो उनके लिए इन्होंने मैसेज दिया कि उन्हें चाहिए कि इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि वो भी एक समय आएगा बूढ़े होंगे और तब उनके बच्चे अगर उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। मैंने बात की शिक्षा की बात करने की वजह थी क्योंकि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है वंडर किड का, जो कि
यहाँ पे बच्चे जो है मासूम बच्चे हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम ये संस्था करती है, ये लोग करते हैं। तो मेरा सवाल था शिक्षा को लेके, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम जो है पूरी तरीके से सतर्क है और हम चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक शिक्षित हो। कैमरामैन शफीक साठविलकर के साथ शैशेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।